हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आ गया मैं नया व्लॉग लेके। अभी मैं बस यहीं से दोस्त के यहाँ से निकल ही रहा था, गाड़ी चार्ज पे लगाया है। ये यहाँ पे यहाँ का सबसे फास्ट चार्जर बोला है मेरे को ऐसा। ये देखो अभी चार्ज हो रहा है, अभी देखो 37% हो चुका है चार्ज। मेरे को ऐसा बोला यहाँ का सबसे फास्ट चार्जिंग पॉइंट यही है, अभी मैंने लगाया। देखो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर 38% दिखा रहा है और मेरे फ़ोन में भी 38%। गाड़ी के अंदर दिखा रहा है क्या? गाड़ी के अंदर नहीं दिखा रहा है, गाड़ी ही बंद है। अभी इसको आराम से चार्ज होने देता हूँ क्योंकि अभी टाइम लेगा, ये कम से कम 1 घंटा तो नहीं लेगा फुल चार्ज होने का। मैं क्या करूँ, मैं इधर ही ऐसे घूम रहा हूँ बैठा हूँ, क्या करूँ, कुछ करने को है नहीं। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। आइस चार्ज कर दिया, चार्ज करके मैं निकल गया हूँ। अभी मैंने क्रूज सेट कर दिया है, आराम से मेरे पैर फ्री है दोनों, मैंने क्रूज सेट कर दिया है। 80 पे सेट करा है, आराम से 80 पे चलता रहेगा। 80, 81, 82 मेरे को खाली हैंडल संभालना है बस, क्योंकि अब पूरा हाईवे मैं कहाँ यार रेस वेस देता रहूँगा। आराम से क्रूज सेट कर दिया, आराम से चलता रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ये बढ़िया है, इसमें वो भी अच्छा देता है, बैकअप भी अच्छा देता है, तो मैंने सोचा इसी में सेट कर देता हूँ। बढ़िया चलता रहेगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। बढ़िया व्यू आ रहा है, देखो मस्त ऐसा व्यू, ऐसा चलता रहेगा खुद पूरा फ्री मस्त। वो देखो चिड़िया, आए हाय हाय हाय। बट अभी तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ गया था वहाँ माहौल थोड़ा वैसा था। बताऊँगा सब कुछ, बताऊँगा फुर्सत में, बताऊँगा सबसे मिलके। अभी 2 दिन से मिला नहीं हो किसी से, अब घर जाके फिर वही दुकान जाओ, दोस्तों से मिलो। अब तो गोलू भी नहीं है, गोलू चला गया देहरादून। अब गोलू वहाँ पे रहेगा, गोलू अपना पढ़ाई पे ध्यान देगा। बाकी अंशु है दिल्ली आया हुआ है, अंशु भी अक्की घर पे है, अक्की भी शायद कुछ टाइम पे चला जाएगा जॉब वॉब करने। बस धीरे धीरे ऐसे ही हो जाएगा, देखते हैं कैसा होता है, जो भी सिस्टम होगा सब, क्योंकि अब सब थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो ही जाएंगे। जार्विस भी कुछ दिन फिर वो भी शायद जॉब वॉब करेगा या पढ़ाई करेगा, बस डीनो रह सकता है घर पर रहने को, बाकी तो सब इधर उधर हो ही जाएंगे। चलो चलते आगे भी। भाई आज इतना बुरा हुआ ना मेरे साथ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में मैप बंद कर दिया और मेरे को ऐसे ऐसे जगह लेके गया ना भाई साहब, का गाँव गू के अंदर से घूम घाम के। भाई मैं सोच रहा हूँ, अरे यार कैसे इसको लगा दूंगा। मैं ऐसे ऐसे जगह से निकल के आया हूँ ना, पता है मैं कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमा आज? 120 किलोमीटर के लगभग एक्स्ट्रा घूमा मैं, 120 किलोमीटर के लगभग, बेफालतू में, एकदम बेफालतू में, बिना रीजन के। खाली अगर मैं गूगल मैप देख के आता ना तो मेरा टोल टैक्स भी गया फालतू का। और अरे क्या बोलू यार, पागल हूं मैं थोड़ा। कोई नहीं, हो जाता कभी कभी, क्या कर सकते, हो सकता, हो जाता है कभी कभी। देखो सीट बेल्ट लगा हुआ है मेरा, हाँ इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, फिर भी ये ट्रेंड क्या, मतलब टाटा वाले क्या सोच के ये वाला क्यों दिया भाई। कोई बैठा हुआ नहीं है, कोई बैठा हुआ, फिर भी टिन टिन टिन, वो भी सीट बेल्ट की आवाज आ रहा है, वो देखो सीट बेल्ट का आवाज आ रहा है। और एक तो इनका साउंड इतना इरिटेटिंग दे रखा है टाटा, क्यों दे रहे भाई, जब कोई सीट में है ही नहीं तो तेरा इसका बजने का मतलब क्या है यार। मतलब एकदम बुद्धिहीन काम किया है, कौन सी इंजीनियर कौन काम करते थे क्या पता नहीं भाई, सारे गांजा वांजा फूक के काम करते शायद, ऐसा ही कुछ होगा, पागल कहीं के। अब मेरा क्रूज सेट कर दूंगा, बस चलता रहेगा। भाई मैं घर आया, घर आके फिर मैं आ गया दुकान, अभी मैं दुकान में बैठा हूँ। मैं क्लियर आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ पता नहीं मेरे को, दुकान में बैठा हूँ, सामान बेच रहा हूँ। सामान बेचते बेचते देखो कोई अपनी चाबी रख के चला गया, बाइक की चाबी। अब मेरे को दुकान बढ़ाना है, मेरे को दुकान बढ़ाना है, और वो बंदा पता नहीं कहाँ। अब वो बंदे को तो उसका चाबी आज दुकान के अंदर ही रह जाएगा, बेचारा फिर अपना बाइक ढूंढ रह जाएगा, बेचारा बाइक नहीं लेके जा पाएगा, इस चक्कर में दुकान भी नहीं बढ़ा पा रहा।
पता नहीं यार कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा। वो लाइट आ गया, लाइट आती चमक गया ना गाइस, मैं गोरा इंसान जो मैं देखो, तो मेरे दुकान के सामने ना ये कपड़े का दुकान है, लड़कियों का कपड़ा मिलता है यहाँ पे खाली, ये दुकान में खाली लड़कियों का कपड़ा मिलता है। जिसको भी कपड़ा लेना है, जो लड़की देखता है, इस दुकान में आ जाओ, अच्छे रेट में कपड़ा मिलता है, ठीक है। बाकी मेरा कूपन कोड लगा दोगे तो और सस्ता मिल जाएगा, ये वो सामने वाले बर्तन वाले दुकान के भैया ने बोला है, ठीक है गाइस। गाइस मेरा भाई क्या कर रहे हैं, आ गया मैं घर। घर यार मेरा कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। घर आके भी लेटा हूँ, टीवी चलाया मैं, पूरे गया मेरे टीवी के रिमोट का बैटरी ख़त्म है। अब कौन जाए अभी दुकान लेने, मन नहीं कर रहा। अभी मैं ऐसे लेटा रहूँगा, ब्लॉग एडिट करूँगा, खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा, फिर आपको कल मिलूँगा, ठीक है गाइस, बाय बाय।